So, दोस्तों ये है Redmi की 32 इंच की स्मार्ट एलईडी टीवी जो आज के टाइम में 14,000 रुपए की मिलती है, बट ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में मैंने इसको लगभग 10,000 रुपए का मंगाया था और ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्ट टीवी है 32 इंच की ये प्राइस सेगमेंट में, मतलब 10 से 15,000 की इस प्राइस सेगमेंट में। और ऐसी बहुत सारी टीवी है, इसको तो मैंने स्पेसिफिकली बेडरूम में लगाया है, बट आप भी ऐसी एक टीवी लेने की सोच रहे हो तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं ऐसी एक प्राइस सेगमेंट में टीवी, मतलब 10 से 15,000 के अंदर कौन सी बेस्ट स्मार्ट टीवी है 32 इंच की और उसके अंदर ज्यादा फीचर मिलने वाले हैं। आज के टाइम पे इस पे आपको ज्यादा ऑफर नहीं मिलने वाला क्योंकि मैंने खुद ने इसको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में लिया था, बट डोंट वरी क्रिसमस सेल्स भी आगे आने वाली है तो मैं जो पांच टीवी बताऊंगा उसके ऊपर आप नजर रख सकते हो और जब भी वो उसके अंदर प्राइस में ड्रॉप होता है या फिर आपको अभी चाहिए तो आप अभी भी ले सकते हो। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरा नाम है आमिर, स्वागत है आप सबका मिस्टर नून की एक नई वीडियो में। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जो पांच टीवीज मैं आपको बताने वाला हूँ या रिकमेंड करने वाला हूँ, ये टीवी मैं ऐसे टॉप फाइव लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आपको जो नंबर वन पे जो टीवी होगी वो सबसे बेस्ट होगी, मैं सारी टीवी यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब पांचों टीवी यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। इनका प्राइस सेगमेंट और स्पेसिफिकेशन सबकी डिफरेंट होने वाली है और मैं सारी चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा, तो उस हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जज कर सकते हो या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी टीवी यहाँ पर चाहिए। जो तो पहली टीवी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है 14,000 से 15,000 के प्राइस सेगमेंट में, और यहां पर मैं आपको दो टीवी रिकमेंड करने वाला हूं। पहली तो है Redmi की 32 इंच की 2K सीरीज वाली टीवी जो मैं खुद स्पेसिफिकली यूज करता हूं, जो वीडियो के स्टार्ट में देख ली है, और दूसरी जो टीवी मैं रिकमेंड कर रहा हूं वो है OnePlus की 32 इंच की Y सीरीज की टीवी जो आज के टाइम पे Amazon को आपको लगभग 16,000 की दिखती है, बट इस पे 1,000 का आपको HDFC का डिस्काउंट मिल जाता है। इन शॉर्ट ये टीवी आपको 15,000 में मिल जाएगी, मतलब और थोड़ा डिस्काउंट होगा तो 14,500 की मिल जाएगी। ये दोनों टीवी मैं इसके लिए रिकमेंड कर रहा हूं कि इसमें दोनों टीवी में एग्जैक्टली सेम फीचर्स है, मतलब सारी चीजें सेम ही है लगभग। अगर मैं बात करूं इसकी डिस्प्ले की तो Redmi की टीवी की डिस्प्ले आपको मैं दिखा रही होगी कि बहुत ही ज्यादा शानदार है, दोनों टीवी की डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छी है। 1368x768 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने मिल जाएगी, 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा, 178 डिग्री की व्यूइंग एंगल, मतलब थोड़े टेढ़े एंगल से भी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी बिगड़ती नहीं है और दोनों टीवी की डिस्प्ले मतलब डिसेंट है, ये प्राइस सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर मैं साउंड की बात करूं तो दोनों टीवी में आपको 20W का डॉल्बी एटमॉस क्यूरियस स्पीकर देखने मिल जाते हैं और जैसे आपको साउंड क्वालिटी में आगे सुनाऊंगा आप उसके हिसाब से जज करें। तो जैसे कि आपने अभी आवाज सुनी तो वॉइस इसकी बहुत ज्यादा डिसेंट है और आपके एक रूम के हिसाब से, चाहे आप बेडरूम के लिए ले रहे हो या आपका छोटा हॉल है तो उस हिसाब से ले रहे हो तो वो डिसेंट है, आपको कोई साउंड बार की जरूरत नहीं है। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो दोनों टीवी में आपको दो HDMI पोर्ट मिल जाएगा, मतलब जिससे आप अपना सेटअप बॉक्स हो गया या गेमिंग कंसोल हो गया वो सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो, दो USB पोर्ट मिल जाएंगे, मतलब फोन भी कनेक्ट कर सकते हो अंदर। साथ ही साथ आपको Redmi की टीवी में, Redmi 32 इंच वाली टीवी में 3.5mm का ईयरफोन जैक मिल जाता है जिसमें आप डायरेक्ट अपने वायर ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हो, जो OnePlus वाली टीवी में नहीं मिलता, ये एक चीज है। बट दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी देखने मिल जाएगी, मतलब अपने TWS आप कनेक्ट कर सकते हो और अच्छे से काम करता है। अगर मैं वाईफाई की बात करूं ना तो वाईफाई की कनेक्टिविटी के लिए दोनों टीवी में, चाहे वो OnePlus हो या फिर आपकी Redmi की टीवी हो, दोनों में आपको दो ड्यूअल बैंड देखने मिल जाते हैं, 2.4 GHz का एक बैंड और 5 GHz का एक बैंड, मतलब दोनों में सेम है। दोनों में आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा, मतलब एग्जैक्टली सेम है, और दोनों के अंदर जो प्रोसेसर यूज किया है वो है मालिका G31 MP2 GPU प्रोसेसर और दोनों में सेम है। 8GB की स्टोरेज भी दोनों में सेम मिलने वाली है और 1GB की रैम भी दोनों के अंदर सेम मिलने वाली है। और अगर बात करूं एलईडी के पैनल का, A+ ग्रेड एलईडी पैनल है, एग्जैक्टली सेम दोनों के अंदर, और सारी वो जो अपनी स्मार्ट फीचर्स होते हैं एंड्रॉइड के अंदर, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, वो सारी चीजें तो अंदर मिलती है, चाहे वो IBM की क्रोम कास्ट हो, सारी चीजें अंदर देखने मिल जाती है। अगर वारंटी की बात करूं तो दोनों टीवी के अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगी टीवी पे और एडिशनल 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी आपको उसके एलईडी पैनल के ऊपर, ये दोनों टीवी में सेम मिल रही है। जब ये टीवी ऑर्डर करोगे तो वो सारी माउंटिंग वाली इक्विपमेंट भी वो सारा आता है और सर्विस में भी ऐसा कोई बड़ा कोई इशू देखने नहीं मिला ये टीवी का मैंने, चाहे वो बहुत सारे रिव्यूज भी पढ़े हो और मैंने खुद ने पर्सनली दोनों टीवी लगाई है। अगर आपको ये सेगमेंट में लेना है तो आप ये दोनों टीवी कंसिडर कर सकते हो, दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप जरूर चेक करिएगा।
So, दोस्तों जो तीसरी टीवी जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो है सैमसंग की 32 इंच की HD रेडी LED टीवी जो आपको अभी फिलहाल 13,490 रुपए की करीब में मिल रही है अमेजोन पे, बट सही से ऑफर लगाने पे ये टीवी 13,000 रुपए की मिल रही थी और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे तो ये 11,000 तक पहुंच गई थी। सो ये बहुत ही अच्छी टीवी है अगर आपका 13,000 के करीब में बजट है। 1366x768 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है, 30 Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, 178 डिग्री के व्यूइंग एंगल देखने मिल जाते हैं। अगर मैं ऑडियो की बात करूँ तो 20 वॉट की पावरफुल स्टीरियो स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, मतलब ये एक गुड क्वालिटी साउंड है, मतलब डिसेंट है, जिसके लिए आपको साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपका रूम ज़्यादा बड़ा है मतलब वहाँ से नॉइज़ हो जाती है तो फिर तो साउंड बार की जरूरत पड़ती है, बट इतने सस्ते टीवी में मैं नहीं रिकमेंड करता साउंड बार। सेकेंडली अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ तो 2 HDMI पोर्ट देखने मिलता है बट 1 USB पोर्ट देखने मिलता है, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको ना ब्लूटूथ देखने मिलेगा ना ही हेडफोन जैक देखने मिलेगा, इसलिए थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा ये टीवी के बारे में। एंड्रॉयड 11 पे काम करती है, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसर है, बट इसके आपको 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है और 1.5 GB की रैम देखने मिलती है, मतलब रैम थोड़ी ज्यादा देखने मिलती है, इसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट होती है, मेमोरी का ज्यादा इशू नहीं आएगा, तो ये एक थोड़ा एक प्लस पॉइंट भी है। अगर मैं वारंटी की बात करूं तो 1 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिल जाएगी मतलब टीवी पे, और एडिशनल 1 ईयर के पैनल के ऊपर वारंटी भी मिल जाएगी। ओवरऑल बात करूं तो एक डिसेंट टीवी है, बट आप ये रेंज में अगर मैं बात करूं ना 13,000 रुपए में तो ये वन ऑफ द बेस्ट टीवी है एंड आई ड्यूली रिकमेंड दिस टीवी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जरूर चेक करिए। तो दोस्तों अगर आपका बजट 12,000 या उसके आसपास का है तो जो फोर्थ नंबर पे मैं आपको टीवी रिकमेंड कर रहा हूं वो एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगी, एसर की 32 इंच की स्मार्ट LED टीवी जो आज के टाइम पे 12,490 रुपए की मिल रही है, बट ये ऑफर लगाने पे आज भी आपको 12,000 रुपए की मिल जाएगी और अमेजोन के सेल्स पे तो ये 10,000 रुपए तक की आ गई थी। सो ये एक बहुत अच्छी टीवी है, इसके सारे फीचर ना लगभग रेडमी के 32 इंच की टीवी जो मैंने पहले बताई थी उसके एग्जैक्टली सिमिलर है, कुछ तो ज्यादा भी है। जहां पर अगर मैं इसकी डिस्प्ले की बात करूं तो 1366x768 का रेजोल्यूशन देखने मिल जाएगा, 60 Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा, 178 डिग्री के व्यूइंग एंगल देखने मिल जाएंगे। व्यूइंग एंगल पे इसका डिस्प्ले थोड़ा इतना ज्यादा अच्छा नहीं है ऐसा रिव्यूज में मैंने देखा था बहुत सारा, बट डिसेंट है अगर हम लोग 12,000 इसके प्राइस रेंज देखें तो 16.7 मिलियन कलर देखने मिलते हैं डिस्प्ले में, दैट इज वेरी गुड, और डिस्प्ले इसका एक डिसेंट क्वालिटी का है। अगर मैं साउंड की बात करूं तो 24 वॉट की डॉल्बी एटमॉस साउंड देखने मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने जो पहले भी टीवी बताया उसमें भी आपको 20 वॉट की ही साउंड आउटपुट मिल रही थी, इसमें 24 वॉट की मिल रही है। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो 2 HDMI पोर्ट देखने मिलेगा बट 1 USB पोर्ट देखने मिल रहा है, 1 USB पोर्ट कम देखने मिलता है जो हम लोग बाकी टीवी में देखने मिला। ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी देखने मिल जाएगी, हेडफोन जैक देखने नहीं मिलता। एंड्रॉइड 11 पे काम करता है, 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर देखने मिलता है, और ये टीवी भी माली G31MP2 GPU प्रोसेसर पे काम करती है, और इसके अंदर आपको 8 GB की इंटरनल मेमोरी देखने मिलती है और 1.5 GB की रैम देखने मिलती है, तो रैम भी ज्यादा देखने मिलती है। और अगर मैं वारंटी की बात करूं तो 1 साल की वारंटी तो टीवी पे मिलेगी, साथ ही साथ इसके पैनल के ऊपर भी आपको एडिशनल 1 साल की वारंटी मिलेगी, तो और बाकी आपका इंस्टॉलेशन के सारी चीजें भी ये टीवी के बॉक्स के अंदर ही आ जाती है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा टीवी है 12,000 की रेंज में, अगर आपका बजट 12,000 या उसके आसपास है तो आई विल डेफिनेटली से यू कैन रियली गो फॉर दिस टीवी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने मिल जाएगी। सो दोस्तों अभी तक मैंने जो 4 टीवी आपको बताया वो सारे स्मार्ट थे, आज के टाइम पे स्मार्ट मतलब उसके अंदर एंड्रॉइड आ गया, मतलब एंड्रॉइड प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया जिसके अंदर नेटफ्लिक्स अमेजॉन यूट्यूब ये सारी चीजें चल जाए, उसको ही आज के टाइम पे स्मार्ट बोलते हैं। बट अगर आपको इतना स्मार्ट टीवी नहीं चाहिए जिसकी वजह से आपका बजट हाई जा रहा है 12,000-13,000, और आपको ऐसा ही एक टीवी चाहिए जो LED टीवी हो और उसके अंदर आप पेन ड्राइव या फोन कनेक्ट कर लो, उसके अंदर आपको नेटफ्लिक्स अमेजॉन से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं आपको जो नंबर 5 पे टीवी रिकमेंड कर रहा हूँ दैट वुड बी ए परफेक्ट चॉइस। और जो टीवी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है क्रोमा का 32 इंच का स्मार्ट HD रेडी LED टीवी जो आज के टाइम पे आपको 7,490 रुपए का मिल रहा है, बट सही से ऑफर लगा तो 7,000 रुपए का मिल जाता है, और अमेजोन की सेल्स डे पे तो ये 6.5 से 6,000 रुपए तक के भी आया था, और 6.5 से 7,000 रुपए में टीवी वो भी LED टीवी बहुत ज्यादा अच्छा है, और इसमें आप फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं ना तो 1366x768 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने मिलता है, 60 Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाता है, 178 डिग्री के व्यूइंग एंगल देखने मिल जाते हैं। अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूं LED टीवी की तो 280 nits तक इसकी ब्राइटनेस जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट है अगर मैं 7,000 रुपए की बात करूं। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो आपको 2 पोर्ट्स देखने मिल जाएंगे जिसके साथ आप अपना सेटअप बॉक्स कनेक्ट कर सकते हो या गेमिंग कंसोल कनेक्ट कर सकते हो, 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे जिसमें पेन ड्राइव या फोन कनेक्ट कर सकते हो,
एक VGI पोर्ट देखने मिल जाता है जिसके अंदर आप अपना PC या फिर अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। दो इसके अंदर AV स्लॉट भी दिए गए हैं और एक RF स्लॉट भी दिया गया है। अगर साउंड की बात करूं तो 20 वॉट की साउंड देखने मिलती है, इनबिल्ट स्पीकर है और सराउंड साउंड सिस्टम में A+ ग्रेड डिस्प्ले दिया गया है इसका LED, और बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। और अगर मैं वारंटी की बात करूं ना, तो 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट के ऊपर मिलती है और 1 साल की 0 डॉट वारंटी, मतलब जो डिस्प्ले के ऊपर डॉट डॉट आ जाते ना कभी, तो क्रोमा उसके लिए भी वारंटी देता है इसकी 1 साल की। तो ओवरऑल एकदम डिसेंट TV। अगर मैं एंड्रॉइड फीचर्स की बात ना करूं, जहां पर हम लोगों पहले उसके अंदर एंड्रॉइड 11 मिल जाता था जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेज़न वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाती, बस 7,000 रुपए में दिस इज वेरी गुड TV। और सेल डे पे 6,000 रुपए या 6,500 रुपए में वॉट मोर यू कैन लुक फॉरवर्ड। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ये 5 TV जो मैंने बताए हैं उसके ऊपर आप जरूर नजर रखिए, क्योंकि आज के टाइम के लिए ये 5 TV बहुत ही ज्यादा अच्छे है ये प्राइस सेगमेंट है, जहां मैंने 7,000 से लेकर लगभग 15,000 की रेंज को सारी कवर किया। तो ये 5 TV आप जरूर चेक करिएगा, जब भी इस पे ऑफर लग रहे हैं तो आप जरूर इसको बाय करने की कोशिश करिएगा अगर आपका रेंज उसमें सही बैठ रहा है। और इन एनी वे अगर मैंने आपके बाइंग डिसीजन को कुछ ना कुछ ईजी किया है, सो प्लीज आप मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा तो आप मेरी इस वीडियो को किसी फ्रेंड या कलीग या फैमिली के साथ रिकमेंड करने के लिए शेयर भी कर सकते हैं। साथ अगर कोई भी डाउट है ना आपको, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं हर एक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होप सो आपको यह वीडियो अच्छी लगी रहेगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।